खरगोन जिले की सभी 6 सीटों पर रविवार को आए विधानसभा चुनाव अप्रत्याशित नजर आ रहे हैं। जिले में एक बार फिर जनता ने 2023 का परिणाम दोहराते हुए नजर आई है। वहीं जो है जनादेश दोनों दलों को बराबर मिला है। खरगोन बड़वाह महेश्वर में जहां कमल खिला है, तो वहीं भगवानपुरा बिकनगांव और कसरावत में हाथ को जनता का साथ मिला है। वहीं समाचार लिखे जाने तक इन सभी 5 सीटों पर मतगणना के सभी राउंड पूरे हो चुके थे, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुए। कसरावत में गिनती जारी रही, जबकि बिकनगांव का परिणाम रिकाउंटिंग के चलते घोषित नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में खरगोन सीट हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। वहीं इस सीट पर लगातार चौथी बार जहां भाजपा के बालकृष्ण पाटीदार प्रत्याशी रहे, पाटीदार के सामने तीसरी बार कांग्रेस के रवि जोशी ने मैदान संभाला। दोनों के परिणाम एक एक के बराबर पर थे। पहली बार 2013 में पाटीदार ने जोशी को हराया था, तो वहीं दूसरी बार जोशी ने 2018 में पाटीदार को शिकस्त दी थी। इस शिकस्त को दूसरी बार जोशी दोहरा नहीं पाए। राउंड वार बात करें तो भाजपा की शुरुआत बढ़त अंत तक बनी रही। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए पूरी जनता को और मेरी जीत के लिए मैं खरगोन की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने कार्यकर्ता उनको भी इस जीत की बधाई देता हूँ। उन सारी जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जबरदस्त इस चुनाव में सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी, और ये भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत, ऐतिहासिक जीत। निश्चित रूप से सारी योजनाएं जितने लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, विकास की योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं का ही तो ये प्रसाद है कि जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को दी। इतने बड़े पैमाने पर 160 से ऊपर सीटें भाजपा की आ रही है और 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश में सरकार आ रही है। ये जनता का विश्वास ही तो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, ये जो बोलते हैं वो करते हैं, और इसलिए जनता इन पर भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का अटूट भरोसा है और इसका प्रमाण है ये चुनाव। 5 साल बाद फिर आप खरगोन की जनता ने मौका दिया है, एक बार फिर खरगोन वासी नाव देखेंगे? बिल्कुल, अभी देख रहे हैं ना, नाव है और उसकी झलक तो दिख ही रही है। बाकी जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। बाकी नाव भी चल रही है कुंदा में, वो उसको दृश्य भी अच्छा दिखता है, जाइए रात को टहलने के लिए। लेकिन अभी उसमें बहुत काम रह गया क्योंकि बीच में 5 वर्षों का ब्रेक आ गया था, लेकिन अब उसको पूरा करना। मेडिकल उसको भ्रांतियाँ चल रही है खरगोन में नहीं महेश्वर में बनेगा। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन खरगोन में हो चुका है, इसलिए कोई उसमें भ्रांतियाँ नहीं है। वो कॉलेज का काम चालू हो जाएगा, बन जाएगा खरगोन में। दादा, पहले सरकार में मंत्री से क्या मंत्री बनेगा? ये पार्टी तय करती है कि हम लोग तय नहीं करते, पार्टी तय करती है किसको क्या दायित्व देना, ये पार्टी का विषय। मांगने जा रहे कांग्रेस के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए नहीं, मैं केवल अभी खरगोन विधानसभा का मेरे को नॉलेज में है क्योंकि मैं उस गिनती से निकल के आ रहा हूँ। बाकी जगह का मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए खरगोन का जरूर निराशाजनक रहा है। जो अपेक्षा थी वैसे खरे नहीं। कहीं ना कहीं जो है लाडली बहना जो योजना थी उसने भी अच्छा करेंगे। काय की बहना थी, ठीक है, लाडली बहना थी, क्या समीक्षा करें। मैं जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं और विधानसभा के मतदाताओं को देता हूं कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत किया है। ये आपके सामने विरोध भी बहुत हो रहा था, फिर भी आप जीते। जहां बर्तन ज्यादा होते हैं वहां भाजें आती हैं। मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना का लाभ मिला हमें? बिल्कुल, सीएम साहब की सारी योजनाओं का लाभ मिला है, विशेषकर लाडली बहना की योजना का भी लाभ मिला है। आपकी एक बार और, ये निश्चित तौर पे पूरी विधानसभा के मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का असीम विश्वास, उसी ने मुझे इस विधानसभा चुनाव में जिताया। किस प्रकार से जनता के बीच पहुँच रहे थे और अभी उसी का आशीर्वाद जैसे मिला है, क्या सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन का साधन, इन चीज़ों को, और किसानों की जो सिंचाई की व्यवस्था है जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। मैं
मैं जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ और विधानसभा के मतदाताओं को देता हूँ कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत किया है। ये आपके सामने विरोध भी बहुत हो रहा था, फिर भी आप जीते। जहाँ बर्तन ज्यादा होते हैं वहाँ भाजियाँ आती हैं। मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना का लाभ मिला हमें? बिल्कुल, सीएम साहब की सारी योजनाओं का लाभ मिला है, विशेषकर लाडली बहना की योजना का भी लाभ मिला है। ठीक है, जीत भी आपकी एक बार और। यह निश्चित तौर पे पूरी विधानसभा के मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का असीम विश्वास, उसी ने मुझे इस विधानसभा चुनाव में जिताया। किस प्रकार से जनता के बीच पहुंच रहे थे और अभी उसी का आशीर्वाद जैसा मिला है, क्या सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन का साधन, इन चीज़ों को, और किसानों की जो सिंचाई की व्यवस्था है जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। मतदाताओं ने किस प्रकार से फिर वापस आपको बनाया, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में गए, बीजेपी में जीत हासिल की, क्या कहना? मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, जनता का पूरा सहयोग और पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी और मुझ पर था, इसका पूरा श्रेय मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को और पूरी जनता को देना चाहता हूँ। लाडली बहना योजना का लाभ मिला आपको? बिल्कुल, इस पूरी जीत में सबसे बड़ा अगर किसी की अहम भूमिका है तो लाडली बहनों की है। शिवराज जी की लाडली बहना योजना का इफेक्ट पूरे प्रदेश में रहा और इस पूरी जीत का श्रेय शिवराज जी को जाता है। प्रदेश में सरकार भी भाजपा की बन रही, किस प्रकार से उत्साह है? खूब उत्साह है, पूरा प्रदेश बड़ा खुश है और मैं समझता हूँ एक विकासशील, उन्नतशील और प्रदेश को और आगे ले जाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की वापस बैठ रही है। आप सबको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या प्राथमिकता रहेगी आप जीतने के बाद में? सबसे पहले विकास ही हमारी प्राथमिकता है, संपूर्ण गांवों का और दोनों शहरों का विकास करना और मूलभूत आवश्यकताएं जो भी है उन सबको पूरा करना भी हमारा पूरा पहली प्राथमिकता है। बड़गांव को जिला बनाने की पुरजोर जो है लोगों द्वारा मांग की जा रही, चुनाव में भी लगातार मांग की जा रही थी। बिल्कुल सही है, बड़गांव को जिला बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, आज की जो जीत हुई है उसके लिए मैं हमारे कसरावद विधानसभा क्षेत्र के समस्त हमारे मतदाता साथियों को और माता बहनों को देना चाहता हूं। उनका, हम सभी साथी उनका हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारे कसरावद विधानसभा क्षेत्र के मेरे कांग्रेस के परिवार के जितने भी साथी हैं उनका भी मैं हृदय से उनका स्वागत और उनका आभार, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनकी अथक मेहनत और प्रयास का ही नतीजा है कि आज कसरावद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने तीसरी बार कसरावद का नेतृत्व करने का अवसर और मौका हमको और हमारे साथियों को दिया। भैया, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, कांग्रेस को नहीं मिला, कांग्रेस अपनी योजनाओं को जनता के बीच में सही एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ऐसा मानते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मुझे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हम हमारी बात को जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए और उसी का परिणाम है कि एक ऐतिहासिक वचन पत्र हमने जो मध्य प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था उसके अनुरूप हमको जनादेश हमको नहीं मिल पाया है। आज के इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है उसके लिए उनको, उनके पूरे नेतृत्व को, उनके शीर्ष नेतृत्व को और समस्त साथियों को जो है मैं अपने साथियों की तरफ से उनको शुभकामनाएं और उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।